अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये लेक्चर द इनोवेटिव स्कूल की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 7 में हम 10.1 के पहले जो थे वो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले हमने अलाइड एंगल्स की बात की थी कि अलाइड एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं। तो अलाइड एंगल्स के बारे में हमने कहा था कि अगर हमारे पास थीटा के साथ उसके 90 के मल्टीपल्स हों तो उसको अलाइड एंगल्स बोलते हैं। और अलाइड एंगल्स काम क्या करते हैं, उसका फायदा क्या होता है हमें, कि हमारे पास अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो अगर मल्टीपल हो हमारे पास, जैसे साइन की मैंने बात की थी कि साइन ऑफ अगर पाई पे टू माइनस थीटा, तो अगर ये मेरे पास जो एंगल पाई बाई टू है ये अगर मेरे पास 8 मल्टीपल होगा तो देन ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो को रेशो के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास साइन है तो साइन अपनी को रेशो कॉस में चला जाता है और कॉस अपनी को रेशो साइन में चला जाता है। सिमिलरली मैंने बात की थी कि अगर टेन हो तो टेन अपनी को रेशो कॉट में चला जाता है और कॉट टेन में चला जाता है, और सिकेंड जो है वो सिकेंड अपनी को रेशो कोसिकेंड में चला जाता है और कोसिकेंड सिकेंड में चला जाता है। और ये अपनी को रेशो में चेंज कैसे होते हैं कि अगर मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन है कॉस है कोई भी है, अगर ये मेरे पास 8 मल्टीपल होगा तो देन ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास साइन 1 टाइम पाई बाई 2 है तो मैंने कहा था कि अगर ये 8 मल्टीपल होगा तो देन साइन कॉस में चला जाएगा, लेकिन साइन किस में चला जाएगा अपनी को रेशो कॉस ऑफ थीटा। तो जो जो भी यहाँ पे एंगल होगा 40 होगा 50 होगा 30 जो भी होगा अगर वो 90 का मल्टीपल होगा, तो फिर हमने बात की थी कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेंट के जरिए अगर देखें पाई बाई टू, तो पाई बाई यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो है पाई बाई टू। तो अगर पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो फर्स्ट में हमने कहा था कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी इसका मतलब है फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ से पॉजिटिव। सिमिलरली हमने बात की थी कॉस की टेन की आप तो सोन, तो इसी को अलाइड एंगल्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो कहते हैं प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई माइनस प्लस थीटा टेन 3π/2 प्लस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा इनटू कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा इंटू कोसिकेन 2π माइनस थीटा, इसको हमने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल है। तो देखें साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा की, तो अगर मैं इसको रेडियन में ही रहने दूं तब भी कोई फर्क नहीं, और अगर मैं इसको एंगल को अपनी डिग्री में चेंज कर लूं तो फिर भी कोई फर्क नहीं। तो इसको अगर मैं डिग्री में लेके जाता हूं, देखो साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई का मतलब ये होता है कि 180 प्लस थीटा, तो इसको ये स्क्वायर है तो इसको मैं होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इनटू टेन 3π/2 का मतलब ये होता है टेन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा ओवर, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉट का मतलब ये है कि 3π/2 के कॉट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा होल क्या है इसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो कॉस को मैं लिख सकता हूं पाई की जगह 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में इनटू कोसिकेंट ऑफ 2π माइनस थीटा, तो कोसिकेंट का मतलब यह है कि 2π 360 डिग्री, अगर डिग्री में बात करूंगा तो कोसिकेंट मेरे पास आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको मैंने मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लेके जाना था कि मैं चेक कर सकूं कि ये अपनी को रेशो में चेंज होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए देखें साइन ऑफ 180, तो 180 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 टाइम 90 डिग्री प्लस थीटा का होल स्क्वायर, टेन 270 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 टाइम 90 डिग्री tan ऑफ 3 टाइम 90 डिग्री प्लस थीटा ओवर, देखें cot ऑफ 270, तो cot ऑफ
थ्री टाइम 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 2 टाइम 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर इनटू कोसेकेंट 360, तो 360 को मैं लिख सकता हूं 4 टाइम 90 डिग्री, कोसेकेंट 4 टाइम 90 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन टू टाइम का मतलब यह है कि साइन क्या है, अपना इवन फंक्शन है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा अगर इवन है, तो साइन टू टाइम है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो वो मैं क्वाड्रेंट से चेक करूंगा, 2 टाइम 90 डिग्री प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट देखें, 2 टाइम 90 डिग्री ये है, प्लस थीटा का मतलब ये है कि कुछ एंगल ऐड करना है, तो थर्ड में मेरे पास क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस इनटू साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब टेन ऑफ 3 टाइम 90 डिग्री का मतलब यह है कि टेन जो है वो ऑड फंक्शन है, ऑड मल्टीपल है पाई बाई टू का, तो यहां से टेन अपनी को रेशो कॉट में चला जाएगा, कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, देखें 3 टाइम 90 डिग्री तो 3 टाइम 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब यह है कि ये 4 में, तो 4 में देखें मेरे पास जो टेन है वो क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आएगा यहाँ ओवर कॉट 3 टाइम, तो कॉट 3 टाइम का मतलब यह है कॉट 3 टाइम 90 डिग्री, तो कॉट 3 टाइम का मतलब यह है कि ये अपनी को रेशो में चला जाएगा टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, एंड जो मेरे पास है इसका नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो देखें 3 टाइम 90 डिग्री का मतलब यह है थर्ड माइनस थीटा, तो तीसरे में, तो तीसरे में जो है वो कॉट क्या होता है पॉजिटिव। अब cos 2 टाइम, तो 2 टाइम का मतलब यह है कि इवन है, तो ये अपनी कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, cos cos ही रहेगा, cos ऑफ थीटा ही रहेगा। अब यहां से पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो 2 टाइम माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है cos नेगेटिव होता है, इनटू cosecant 4 टाइम, cosecant 4 टाइम का मतलब यह है कि ये अपनी कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, इवन मल्टीपल है तो cosecant cosecant थीटा ही रहेगा, कोसिकेंट ऑफ थीटा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है कोसिकेंट नेगेटिव होता है। तो अब नेगेटिव इसका स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज दैट देखें मेरे पास साइन, तो साइन जो है वो नेगेटिव का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ही आएगा इनटू कॉट ऑफ थीटा, तो नेगेटिव ये मैं पहले लिख सकता हूँ, माइनस कॉट ऑफ थीटा ओवर टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू माइनस का स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, इनटू कॉट ऑफ थीटा, इनटू कॉट ऑफ थीटा इनटू ये माइनस पहले आ जाएगा, और यहां से ये कोसिकेंट थीटा आ गया, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस से ये काट देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा ओवर टेन स्क्वायर, को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा, और कोसेकेंट को मैं लिख सकता हूं 1 ओवर साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में। अब यहां से देखें ये एक साइन से काट गया, एक कॉस से काट गया, यहां से एक साइन इस साइन से काट गया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड क्या बना, यहां से देखें एक साइन यहां से बच गया, साइन ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा ओवर वन, एक साइन यहां से क्योंकि एक कटा, साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा के फॉर्म में, कॉस ऑफ थीटा
तो यहां से देखें साइंस स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, यहां से कॉस से कॉस और साइन टेन को साइंस स्क्वायर और कॉस के थीटा, ये कॉस थीटा अपनी जगह, कोसेकेंट को वन और साइन थीटा एक ही, इससे कट गया, यहां से मेरे पास साइन ऑफ थीटा बचा और साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो ये इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा यहां से देखें ये जब ऊपर जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा, तो ये इसे कट गया तो ये इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा की मान है। तो यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। दोबारा देखें कि हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास ये जो एंगल था पाई प्लस थीटा, तो इसको हम लेके गए किस में, डिग्री में, तो पाई को 180 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 को 270, सिमिलरली ये, तो इसको हमने फिर क्या किया मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री बनाया, 90 में बनाने के बाद हमने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है कि अगर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, तो प्रूव करें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गामा, कि आप अगर हमारे पास अल्फा उसमें क्या है सॉल्यूशन में हम लिखते हैं एस अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो किसके इक्वल होता है, कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है अगर इसका ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो जो इंटीरियर इन सब एंगल्स को अगर हम जमा करें तो वो इक्वल टू 180 आता है। तो सो हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से देखें मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा, तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गामा की फॉर्म में, तो 180 को अगर मैं इसको अलाइड एंगल्स में लेके जाऊं मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री तो 2 टाइम 90 डिग्री माइनस गामा की फॉर्म में। अब 2 टाइम 90 डिग्री का मतलब यह है कि साइन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन है तो ये साइन साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन ऑफ गामा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट से हम चेक करते हैं, क्वाड्रेंट देखें ये है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास देखें साइन गामा, तो गामा की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम 90 डिग्री माइनस गामा, 2 टाइम 90 डिग्री का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसको हमने प्रूव करना है कि ये साइन गामा बाय 2 के इक्वल है, इसके इक्वल है साइन गामा बाय 2, तो हमने कहा था कि इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos of alpha plus beta divided by 2, तो हमने कहा था कि as alpha beta and gamma are the angles of triangle, so हमने कहा था कि alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree, क्योंकि sum of interior angles of a triangle equal to 180 degree। अब यहाँ से मुझे alpha plus beta चाहिए, तो alpha plus beta equal to 180 degree माइनस गामा 180, ये इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव। अब देखें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस गामा ओवर 2 जो ऊपर है मौजूद है
cos ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस गामा बाय टू, अलग अलग कर दिए तो 2 ये 90 टाइम आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ 90 डिग्री माइनस गामा बाय 2। तो देखें cos 90 को मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम, तो 1 टाइम का मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है 90। तो अगर ऑड मल्टीपल है तो cos अपनी को रेशियो किसमें चला जाएगा, sin में, तो sin ऑफ गामा बाय 2। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट के जरिए हम क्या करते हैं, तो देखें 1 टाइम 90 डिग्री का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसमें से कुछ एंगल हमने सबट्रैक्ट करना है, इसका मतलब है ये फर्स्ट में, तो फर्स्ट में हमारे पास जो cos है वो क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, तो यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो वेरी इजी कि हमें सिर्फ एक चीज का पता होना चाहिए कि sum of integers angles of a triangle equal to 180। तो उसने क्या है कि as alpha beta and gamma are the angles of a triangle, तो क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा और गामा एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के, तो देन हमारे पास जो उसका जो है उसकी एडिशन जो है वो इक्वल टू 180 आएगा। तो हमारे पास जो उसने क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हमें कहा था, उसने कहा था कि cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 उसको प्रूव करेंगे sin गामा बाई 2 के इक्वल है। तो हमने कहा कि एज अल्फा बीटा एंड गामा आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो सो हमारे पास जो उसका सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इसका मैं पार्ट ले लेता हूँ, लास्ट पार्ट ले लेता हूँ, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 का पार्ट नंबर 4 है, tan अल्फा प्लस बीटा, इसको हमने प्रूव करना है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गामा, ये इक्वल टू हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास जीरो के इक्वल है। तो एज अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा, तो सब्स्टिट्यूट क्या करें यहां पे, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह 180 डिग्री माइनस गामा प्लस tan ऑफ गामा के मान, तो 180 को 90 का मल्टीपल मैं लिखूंगा, tan ऑफ 2 टाइम 90 डिग्री माइनस गामा प्लस tan ऑफ गामा, तो 2 टाइम 90 डिग्री का मतलब यह है कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ऑड है तो tan अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, tan tan में ही रहेगा tan ऑफ गामा। अब यहां से पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट के जरिए हम चेक करेंगे, लेकिन 2 टाइम 90 डिग्री माइनस गामा, माइनस गामा मींस के सम उसने एंगल सबट्रैक्ट किया है, तो 2 टाइम 90 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फोर में cos पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, sin पॉजिटिव, तो देखिए सेकंड में हमारे पास जो tan है वो नेगेटिव आ, तो माइनस प्लस tan ऑफ गामा व्हिच इज इक्वल टू, यही से कट गया जीरो, तो यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो इस एक्सरसाइज में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखा है वो है अलाइड एंगल्स। तो अलाइड एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास जो है वो एंगल्स जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल होंगे तो वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएंगे। को रेशियोज का क्या मतलब है कि साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में, तो सिमिलरली टेन कॉट में चला जाएगा, कॉट टेन में चला जाएगा, और सिकेंड कोसिकेंड में, और कोसिकेंड सिकेंड में चला जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस एक्सरसाइज का कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये समझ आई होगी, तो अगर कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें और रेलिवेंट टीचर से आप जरूर रब्ता करें। ओके, अल्लाह।